हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन में कभी भी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके कुछ छोटे छोटे रीजन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताऊँगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए हमेशा जो है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला चार्जर ही यूज करना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ करते हैं तो उससे भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दूसरे मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फ़ोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के यूज़ करते हैं, उससे जो है स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी स्लो चार्ज होता है ना, तो आपको अपने फोन को सबसे पहले तो रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है ना, इस पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो नीचे की साइड चार्जिंग पोर्ट होता है ना, इसे आपको जो है हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि हम अपने फोन को रेगुलर यूज करते हैं ना, तो इसमें जो है थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, तो दोस्तों आपको जो है ना इससे भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसे जो है चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का ना एक बार सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको मोबाइल फोन का पहले तो इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड में सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, सेटिंग को टैप कीजिए, तो आपका जो है इस पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन, डाउनलोड, इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे फोन आपका फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलता है, रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके फोन की जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। हो सकता है ना कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की किसी सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।